हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विथ रिचा चैनल। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन खूब पूछा जा रहा है बार बार बच्चों के द्वारा कि क्या यूजीसी नेट का एग्जाम सभी सब्जेक्ट का एक ही दिन होने वाला है। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि मैम हिंदी का एग्जाम कब होगा, क्योंकि मेरे साथ ज्यादा स्टूडेंट हिंदी सब्जेक्ट के जुड़े हुए हैं। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले तो ये एक ऑफिशियल नोटिस है जो कल जारी किया गया है एनटीए की तरफ से। तो ये एग्जाम डेट को लेकर आप सभी जानते हैं हमारा यूजीसी नेट का एग्जाम 16 जून को होने जा रहा था, हमारी एग्जाम डेट भी आ चुकी थी। लेकिन कल ये नोटिफिकेशन आया जिसमें बताया गया है कि आपका एग्जाम 18 जून को होगा। जो हमारा 16 जून को एग्जाम होने वाला था वो अब 18 जून को होगा। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो ये एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है 83 सब्जेक्ट का इन ओएमआर पेन पेपर मोड पर करवाया जाएगा और एक ही दिन होगा। रीजन क्या बताया है एग्जाम पोस्टपोन होने का, यूपीएससी का जो है प्री एग्जाम था सेम डेट 16 जून को, तो इसीलिए जो है ये एग्जाम यहाँ पर आपका पोस्टपोन कर 18 जून को कराया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सम कंफ्यूजन है वो ये है कि क्या सभी सब्जेक्ट का एग्जाम एक ही दिन होगा। ये कंफ्यूजन ज्यादा इसलिए पड़ गया है क्योंकि हर बार क्या होता था, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग दिन एग्जाम होता था। तो मैं आपको बता देती हूँ, आपका सब्जेक्ट हिंदी हो, इंग्लिश हो या कंप्यूटर साइंस हो आपका एग्जाम, या संस्कृत हो, कोई भी एग्जाम हो आपका, एजुकेशन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबका एग्जाम जो है आपका 18 जून को होगा, एक ही शिफ्ट में होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग आपका कि फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, नहीं, एक ही एग्जाम आपका होगा इस बार। और एक बच्चे पूछ रहे थे कि क्या पेपर वन पेपर टू अलग अलग होगा, नहीं। जैसे आपको ऑनलाइन में होता था ना 3 घंटे का आपको समय मिलता था, ठीक है, उसमें आपको पेपर वन और पेपर टू दोनों करने होते थे, तो वही पैटर्न रहेगा। बस एग्जाम ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन होने जा रहा है। और आपका यहाँ पर ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा कि अब आपका एग्जाम 16 जून की जगह 18 जून को होने जा रहा है और सभी सब्जेक्ट का ए टू जेड यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 83 सब्जेक्ट है हमारे नेट के, जिसमें नेट का एग्जाम होता है, वो 83 के 83 सब्जेक्ट का जो है एक ही दिन एक ही टाइम पर 18 जून को होने जा रहा है। ठीक, तो एक तो आप ये याद रखिएगा आपके एग्जाम डेट चेंज हो चुकी है, ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस है। यहाँ पर जो है कल उन्होंने ट्वीट कर भी ये जानकारी दे दी थी जो मैंने आप तक पहुंचा दिया था, और ये ऑफिशियल नोटिस भी एनटीए की तरफ से जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एग्जाम डेट को लेकर। एक बार फिर से कह रही हूँ, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका एग्जाम यूजीसी नेट जून 2024 का एग्जाम 18 जून को होने जा रहा है, तो अपनी तैयारी आप लोग कंटिन्यू रखिए, जैसे आप पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू रखिएगा। साथ ही मैं आपको बता देती हूँ, यदि आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो आपके लिए 1 मई से यहाँ पर सीरीज शुरू होने जा रही है। यहाँ पर हम करेंगे 1 मई से टॉप 30 टॉपिक। आपके एग्जाम में मैं वे टॉपिक आपको पढ़ाने वाली हूँ अगले पूरे महीने मई में, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है। तो वे टॉप 30 टॉपिक करेंगे यूनिट 1 टू 10 के, शाम को 6 बजे बिल्कुल फ्री क्लास में आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मॉर्निंग में 10 बजे कल से यानी 1 मई से आपके लिए PYQ सीरीज शुरू हो रही है। डेली जो है एक पेपर सोल्व करेंगे, शुरुआत करेंगे यहाँ पर जो है जून 2019 के पेपर से। ये पूरा शेड्यूल आपको दिखाई भी दे रहा होगा। कल है 1 मई, मॉर्निंग में 10 बजे सब लोग आ जाइएगा, फ्री क्लास है, कंप्लीट पेपर सोल्व करेंगे, 100 के 100 क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे बच्चों की तरह क्लास में आ जाइएगा। साथ ही मई के महीने में एवरी संडे आपका मॉर्निंग में 10 बजे जो है मॉक टेस्ट हुआ करेगा। यहाँ पर आप देख रहे हो पूरा शेड्यूल मैंने जारी किया हुआ है, लिखा हुआ है कौन से दिन हम क्या कौन सा मॉक पेपर सोल्व करेंगे। और मॉक पेपर एग्जाम की तरह होगा, यूनिट 1 टू 10 के क्वेश्चन होंगे, सभी यूनिट के क्वेश्चन होंगे, लेवल एनटीए लेवल का होगा। तो यदि आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो आपके लिए काफी यूजफुल जो है मई के महीने में सीरीज आ रही है, तो इनका आप लोग भरपूर फायदा उठाइएगा। तीनों सीरीज बिल्कुल फ्री है, आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल हिंदी विद रिचा पर ये क्लास होगी। साथ ही आप यदि एनटीए की तरफ से कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। यहाँ पर लगभग 11,000 के मेंबर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। एनटीए की तरफ से जो भी अपडेट आती है, अदर एग्जाम की जो अपडेट आती है, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी बता देती हूँ और अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी। तो आज की इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी, हेल्पफुल लगी, शेयर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप जो है एनटीए की अपडेट पाना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय, टाटा, धन्यवाद।